सब आ चुके हैं, हमने अपने जो गेस्ट शेफ है ना उनको छुपा दिया यहाँ पे, हम चाहते हैं आपको एक सरप्राइज दें। हमारे साथ कौन मौजूद है, पहले तो मैं अकम्पलिशमेंट्स बताऊंगी। तुमने इतनी सारी पढ़ाई की, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई इस फील्ड में इतना पढ़ के आता है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद आरिफ जो कि हेड शेफ हैं डाइट किचन के और पाकिस्तान टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट जिसको हम पेथम के नाम से जानते हैं। 2 साल का डिप्लोमा कर चुकी हैं फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट में, कलिनरी आर्ट्स में, बेकिंग में भी 1 साल का डिप्लोमा है इनके पास। एंड अंतालिया बिलिम यूनिवर्सिटी टर्की से गैस्ट्रोनॉमी और कलिनरी आर्ट्स में भी बैचलर कर चुके हैं, क्या बात है। और इस वक्त जो है वो डाइट किचन के हेड शेफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी पढ़ाई करके आप इस फील्ड में आए हैं भाई? जी असल में कोई भी काम कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास होती है, नॉलेज होती है, तो काम में जो वो कहते हैं ना चार चांद लग जाते हैं, वो लग जाते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। अगर आपको दोस्तों पता चल जाए ना गैस्ट्रोनॉमी में क्या क्या रॉकेट साइंस हो सकती है, वो हम आपको जरूर बोल के नहीं करके दिखाएंगे। लेकिन आज कुछ डाइट बनने वाला है ना अहमद? एग्जैक्टली हमारे पास एक रेसिपी है जो कि हम शुरू करते हैं। ठीक है, जबरदस्त। ये हमने 3 अंडे ले लिए, ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। अच्छा है क्या रेसिपी में? अच्छा आज हम बना रहे हैं मैक्सिकन ऑमलेट जो कि बहुत हेल्दी और डाइट है, जो फिलिंग होगा आपके टमी को फुल कर देगा, आपको पूरा दिन भूख नहीं लगेगी शाम तक, ये मेरी गारंटी है। ये बिल्कुल सही गारंटी ले रहे हैं क्योंकि अक्सर कभी मैं शो करती हूँ उसके बाद हमारी मीटिंग होती है और फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मैं मेडिटेरेनियन या मैक्सिकन ऑमलेट खाती हूँ और 4 घंटे जबरदस्त गुजर सकते हैं ना जी। चले हम ये 3 अंडे लिए, इसमें हम सीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। व्हाइट पेपर है, ठीक है, ये एग टू पेस्ट आप ले सकते हैं, ये ब्लैक पेपर है, जबरदस्त, ठीक है, ये ग्रीन चिली है, आपको जितनी यूज़ करनी है, अपने मिर्चे खाते हैं स्पाइसी खाते हैं आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जबरदस्त। ये हमने सॉल्ट लिया है इसके अंदर, सॉल्ट ऐड कर रहे, ठीक है, चॉप अनियन है, ये भी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितनी चीज़ आपको जो पसंद है आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैप्सिकम है चॉप, वाह 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 वाह, होलसम। टोमेटोज हैं वो भी हमने चॉप कर लिए हैं फाइन चॉप, जैसे ऑमलेट में जाते हैं सिंपल। हमारे पास ऑलिव्स हैं ग्रीन और ब्लैक दोनों, जबरदस्त। आपको पता है ऑलिव्स में इतना अच्छा वाला फैट होता है, वो लोग जो कि सुबह सुबह किसी और सोर्स में फैट नहीं खाना चाहते, ऑलिव्स इज अ वेरी गुड थिंग। बट शेफ मुझे एक बात बताएं, सिंस आप जो है वो टर्की में भी आपने पढ़ाई की है राइट, यहाँ पे हमारे यहाँ जैतून फ्रेश वाले नहीं मिलते ना? जी यहाँ पे नहीं मिलते, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप बॉटल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश मिल जाए तो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ टर्की में ज़्यादातर उनका ब्रेकफास्ट चीज़ और रॉ फॉर्म में जो आप जितनी वेजिटेबल्स खाते हैं ना ज़्यादातर वही होता है। तभी मैंने आपसे ये पूछा है कि आप टर्की से अगर होके आए आप कहते हैं कि यार रॉ वाले जो है ना अपना ऑलिव्स वो खाने हैं, वो हमारा इवन वहाँ पर टोमेटो भी रॉ फॉर्म में ही खाया जाता है। अच्छा हाँ टमेटोज भी अच्छा। और एक और बात ये कि एक बार ना हमारा एक किचन में एक टर्किश शेफ आया, शेफ वो ये करता था वो सुबह सुबह ऐसे बिल्कुल क्योर, जैसे हम तो नमक वाले ऑलिव्स खाते हैं ना, वो ऐसे ही जैतून जो फ्रेश होता है वो खाता था। तो एक बार मैंने जब पहली बार खाया मैंने कहा तो कड़वा है वो, टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगता है। नाइफ चाहिए, नाइफ चाहिए आपको? नाइफ अभी हमारे माजिद आपको ला के देते हैं जब आ गई। आगे अच्छा ये मशरूम लिया हमने, इसके स्लाइसेस कर लेंगे, ठीक है। मशरूम्स वेजिटेबल्स हर इसमें हेल्दी चीज है, बहुत फिलिंग है, मतलब आपको प्रोटीन वगैरह सब कुछ ही मिल रहा है इसके अंदर, जबरदस्त जबरदस्त। डाइट किचन में आप क्या क्या बना रहे होते हैं? हमारे पास असल में हमारा जो कॉन्सेप्ट है डाइट किचन का वो ये है कि आप जब डाइट का अल्फाज सुनते हैं ना तो आपके जहन में आता है कि बॉयल खाने होंगे, स्टीम खाने होंगे, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप डाइट में हर चीज़ खा सकते हैं, आपको बस बैलेंस डाइट करनी होती है। आप उसमें हम लोग बिरयानी भी दे रहे होते हैं, हम लोग उसमें डिज़र्ट भी दे रहे होते हैं, हम लोग उसमें बेकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, केक्स, कपकेक, कुकीज़, पीनट बटर कुकीज़ सब दे रहे होते हैं। वाह! लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वान्टिटी में खा रहे हैं, और उसके अंदर जो शुगर है उसकी जगह आप हनी यूज़ कर सकते हैं, स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, स्टीविया जो है प्लांट होता है उससे बनती है स्टीविया। तो आपकी डिपेंड करता है कि आप खा कितना रहे हैं और किस तरह किस फॉर्म में खा रहे हैं। ठीक आप है। जितना प्रोसेस फूड खाएंगे उतना आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा। जबरदस्त बिल्कुल। अच्छा आपको इसको लेड लगाना है, ढक्कन लगाना है आपको या नहीं? अगर लगाना है तो मैं दे सकती हूं। हाँ, मुझे दे। डिपेंड्स ऑन कि आपके माइंड में क्या चल रहा है कि आपने इसको कैसे पकाना है। अच्छा
थोड़ा सा बड़ा है, बट इट्स ओके। और इसके कलर्स इस वक्त यहाँ पे देखें, मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी शेफ़ कि जब भी हम रेस्टोरेंट में जाके मैक्सिकन या मेडिटेरियन ऑमलेट खाए ना, उसमें वो नमक मिर्च नहीं होता। आपने इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड की है, आपने इसमें वाइट पेपर भी ऐड किया है। मैंने रेड चिलीज ऐड नहीं की। हाँ क्योंकि जो नेचुरल सोर्स है चिलीज की, मैंने उसमें वो ऐड की, एक बेल पेपर, वो कैप्सिकम हो गई, ग्रीन चिलीज हो गई और काली मिर्च हो गई, जो कि आपके सेहत के लिए इतने नुकसान दे नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसके साथ मैं देख रही हूँ कि आप फुल यहाँ पे ना अच्छा वाला डाइट वाली चीज़ें चल रही है, बिकॉज यहाँ पे ब्रान ब्रेड भी है। ब्रान ब्रेड एक्चुअली होती है। अच्छा जी, और चीज़ भी अभी इसमें ऐड होने वाली है। ज़बरदस्त शेफ, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्ग्रीडियंट्स रखे हुए हैं वो हमारी दूसरी रेसिपी भी है। चले जी, वो भी बनाएंगे। Awesome. वो भी बहुत हेल्दी है, मतलब आप रमज़ान आ रहे हैं, आप रमज़ान में अफ्तार में खा सकते हैं, सहरी में खा सकते हैं, और इसकी कैलोरीज इतनी नहीं है। दूसरा ये है कि काफ़ी फिलिंग होता है आपके लिए। दूसरी रेसिपी जो है उस पर मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रॉबेरीज हैं, कीवी है, बादाम, दही, सब कुछ आपको यहाँ से दिख देखिए। अच्छा, दही भी हमारे पास नॉर्मल नहीं है, वो ग्रीक योगर्ट है। ग्रीक योगर्ट है, सही है। घर पे भी अगर आपको ग्रीक योगर्ट लगता है ना कि वैसे बहुत महंगा है, घर पे भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, मेरे पास घर का ही बना हुआ है। वाह शेफ, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, वाह वाह वाह, ऑसम, ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी प्लीज़ बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि अक्सर हम ना अंडे को भी ओवर कुक करके खाते हैं, तो इज़ इट ओके कि थोड़ा सा रनी हो, जूसी exactly. हो, है ना? जितना आप चीज़ को पका लेंगे हीट लगेगी, उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू होंगी ना वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वेजिटेबल्स वगैरह भी हम कोशिश करते हैं कि हम रॉ फॉर्म में दें। बिल्कुल, थोड़ा बहुत पका लें लेकिन भून भून के उसका जो है ना वो काम ख़राब नहीं करें। अब देखें कितना खूबसूरत ये ऊपर से लग रहा है और अंदर से अगर आप इसको थोड़ा सा रनी भी खाएंगे, और ये फुली कुक है जब भी मैंने इसको फ्लिप कर दिया। बिल्कुल ज़बरदस्त, इसको देख के तो भूख लग गई है। आपका नाश्ता शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, द रिचेस्ट मील ऑफ योर डे। खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी हेल्दी हो जाएगी अगर आप अपनी आदत को चेंज कर लेंगे। बहुत अच्छा लगता है हमें ये कहना कि नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता, हमें नाश्ता नहीं पसंद, हमारे पास टाइम नहीं होता। किसी के पास नहीं होता, निकालना पड़ता है टाइम। चले जी, ज़बरदस्त किस्म का ये ऑमलेट तैयार है एंड अब शेफ़ आएंगे शायद हमारी दूसरी रेसिपी की जानेब। और उससे पहले, अच्छा इसको हम जो सर्व कर रहे हैं वो हम इसको ब्राउन ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। आई लाइक हाउ यू सेड ब्रान, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ब्रान ब्रेड, वो ब्राउन वाली नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ कलर एडेड होता है। ब्रान यानी कि आटे का चोकर उसमें मिला हुआ है, फाइबर है बहुत सारा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी गुड, वाह, थैंक यू शेफ़, आपने मेरे लंच का इंतज़ाम कर दिया है। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे यहाँ पे। अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास योगर्ट है जो कि ग्रीक योगर्ट है। आपने सिंपल दही को एक जो स्ट्रेनर होता है जिसमें आप आटा छानते हैं उसके अंदर रख देना है और नीचे कोई बाउल रख देना है, उसको 2 से 3 घंटे जब आप रखेंगे उसका एक्सेस वाटर निकल जाएगा, तो इसमें कैलोरीज भी कम हो जाएंगी और ये सेहत के लिए भी काफी बेहतर है। ठीक है, जबरदस्त। और माजिद भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा फ्रूट दूं। माजिद भाई सारे फ्रूट दे दें आप मुझे। मैं ले लेती हूँ माजिद भाई से फ्रूट। समन भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक समन, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका ड्रेस बहुत प्यारा, आज आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ, ये कलर मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कलर है ये। थैंक यू, क्या बात है। और मुझे आपसे ना गिफ्ट चाहिए, अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? अच्छा, फिर अभी आज क्या जीते हैं जो हमारा सेगमेंट होगा ना आखिर में शो के, उसमें कॉल कीजिएगा और फिर मैं आपसे सवाल करूंगी गिफ्ट। उस टाइम हमारी लाइट चली जाएगी, आप मेरा प्लीज अभी नंबर लिख लें, कोई बात नहीं, मेरा नाम भी कुरानदाजी में शामिल कर लीजिएगा। नाम लेकिन फिर मैं फिर कोई सवाल करूंगी आपसे, लेकिन सवाल कर लूँ? चले आपका नाम शामिल कर, चले 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 अभी कर लेते हैं, अभी मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? आपने जल्दी से, बहुत ही जल्दी से मुझे कोई 4 सब्जियों के नाम बताने हैं जो शेफ ने अभी हमारे मैक्सिकन ऑमलेट में ऐड की थी। मैं सच बताऊं, अभी हम 2 मिनट 10 मिनट पहले हमारी लाइट आई है, ठीक है? अभी लाइट आई तो मैंने आपकी कॉल मिला लिया। चलिए गेस करें, अगर मैक्सिकन ऑमलेट बन रहा है उसमें कौन कौन सी सब्जियां ऐड हो सकती हैं जल्दी से? मेरे ख्याल से तो आसान है, प्याज ऐड हो सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है, लेकिन अभी प्लीज मेरी लाइट अभी आई है। लाइट नहीं ना, अभी दिमाग की लाइट की जरूरत है, अभी जरूरत ये है कि आप गेस करें। ओहो, आई एम सो सॉरी। पता है जब कभी गेस करना हो ना, गलत भी गेस कर दे, माइनस मार्किंग तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। मगर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और आई होप कि आप कॉल कर पाए आज के जीते में भी। शेफ कुछ कर, अच्छा हमने एक पैन में शुगर डाली है तो ताकि वो जैसे कैरमलाइज हो जाए, और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे अमरूद आया हुआ सीजन में,
अमरूद डाला है और हमारे पास जो ग्रीन एप्पल होता है, अच्छा एप्पल में भी जैसे कलर चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से कैलोरीज भी हमारे पास चेंज हो जाती हैं। सबसे लो फैट होता है जो हम के अपनी डाइट में यूज़ करते हैं ग्रीन एप्पल। बिल्कुल, तो वो डाल के हमने ज़रा सी कलर के लिए इसमें रेड चिली डाली है। ठीक है, और बस हमें इसको हल्का सा कुक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा कैरमलाइज करना है कि जो हमारी शुगर है वो ज़रा सी मेल्ट हो जाए। इट इज सच अ ब्रिलियंट आइडिया, मैंने आज तक कभी ये नहीं किया। जैसे पोस्ट पियर लोग चॉकलेट बना रहे होते हैं कि वो, और ख़ासतौर पर वो लोग जिनको फ्रूट बजाते खुद नहीं पसंद, तो वो इस तरह से ट्रीट करके ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे एक बाउल चाहिए। अच्छा, ये बाउल दे देते हैं आपको मिक्सिंग के लिए। अभी आ जाता है आपका बाउल। शेफ, आपने दही में कुछ ऐड किया है? नहीं, अभी ये सिंपल योगर्ट है, मैं इसको अभी ऐड करता हूँ। ठीक है, ग्रीक योगर्ट को विस्क किया है अभी सिर्फ। अच्छा, ये हमारे पास स्टीविया है। स्टीविया बेसिकली एक प्लांट होता है, सर्विंग बाउल चाहिए। स्टीविया है जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, लेकिन प्लांट बेस्ड होता है ये। वो एस्पार्टेम बुरा वाला नहीं है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक टीस्पून इसमें हम डालेंगे, इनफ होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रीम है, ये फ्रेश क्रीम है। जबरदस्त, ये भी बहुत हेल्दी और बहुत ही फिलिंग होता है। बिल्कुल, वाह। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये वो चीज़ है जो आपको रेस्टोरेंट में मिलती है। अच्छा, इसमें आपने ग्रीक योगर्ट में क्या क्या ऐड किया, दोबारा से बता दीजिए। हमने एक ग्रीक योगर्ट लिया है और इसके अंदर हमने स्टीविया डाली है और हमने इसमें क्रीम ऐड की है। ठीक है, क्रीम, स्टीविया, ग्रीक योगर्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमारे ग्रीन एप्पल्स थे उसमें लाल मिर्चें एंड उसमें चीनी। ठीक है, कैरमलाइज किया है बेसिकली। बड़ा डिफरेंट ये एक चीज़ है, मैंने कभी भी इस तरह से फ्रूट के साथ लाल मिर्च का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, चीनी का भी देखते हैं, बट ये कॉम्बिनेशन नहीं देखा कि जिसके साथ ऐसे पकाया जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, वाह, यानी घर में रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग है ना, बिकॉज इट्स सो सिंपल एंड लुक सो ब्यूटिफुल। खूबसूरत ये लग रहा है, और इसमें मुझे लगता है शेफ़ ने ऐड करने हैं बस। अब बाकी इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी सारी हेल्दी, हमारे पास नट्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, जो भी आपको फ्रूट पसंद है आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, वेरी गुड। और दही का इस्तेमाल प्लीज़ 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 अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करें, कोई नुकसान आपको दही नहीं देगा। लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में। अच्छा जी, हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है शेफ, आप बस ये करके हमें दिखा दीजिए, बता दीजिए क्या क्या ऐड करेंगे। बस हमारे से स्ट्रॉबेरी कट करके डालेंगे, कीवी डालेंगे और नट्स हमारे पास। ठीक है, वो इसको गार्निश कर देंगे। स्ट्रॉबेरीज हैं, कीवीज हैं और यहाँ पे नट्स हैं। इसकी जब हम ब्रेक में जाएंगे तो एक वीडियो भी बना लेंगे, वो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी देख सकते हैं कि इसका फाइनल लुक क्या होगा। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे और टैरो कार्ड रीडिंग आज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ आपका, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। ऑनेस्टली इट वॉज अ प्लेजर हैविंग You. जब खाने को कोई इस तरह से रिस्पेक्ट देता है ना, दिल खुश हो जाता है। हेल्दी हेल्दी मगर मजेदार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जी, आप यहाँ पे अपनी डिश को कंप्लीट कर लीजिए, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आने के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, टैरो कार्ड, फॉर्च्यून टेलिंग, हमारे मसाला टीवी की शेफ्स की बात भी करेंगे, होस्ट की बात भी करेंगे कि उनका ये साल या फिर ये महीना कैसा रहेगा। और मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।